गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून पीपल, हाउ आर यू ऑल डूइंग? ओके मैम, आई एम फाइन। आई एम फाइन। आई एम फाइन। ओके, सो हाउ आर योर एग्जाम्स? डिड दे गो वेल? So what should we say? The tension is over or tension has just started now? Huh? Over. Over. अच्छा result का हमें tension नहीं है. Paper is over. Yeah, exams तो over होगा. एक बार tension finish हुआ या begin हुआ अभी आपका? No ma'am, tension is free. राइट नाउ यू डोंट नीड अ बुक, ओके? आई विल टेल यू व्हेन यू नीड इट। आधो तिल दे रहा। ओके, आई विल म्यूट यू ऑल नाउ। तुम्हें सिलोगी आज? And we begin with today's session. So it's great if you, yes, Navya, that's the book that we use in this class, but abhi hume nahi chahiye, okay? All right, so the amazing thing is that you all said tension is over. So I'm happy to hear that you all are not worried for your result, because I'm sure aapne apni taraf se apna 100% diya hoga. So you'll get good result, don't worry. Okay? All right. So, do you remember what we were doing in the last class? किसी को याद है हम क्या कर रहे थे last class में? Please raise your hand if you remember. Okay, Nevedya is raising hand. Yes, Nevedya. मैम food pyramid. हम food पर अभी तक हम food pyramid पर ही हैं. अरे नहीं, हम उससे बहुत आगे आ गए. आपको याद है लास्ट टाइम हमने एक एक्टिविटी किया था जिसमें हम सबने टेबल लेआउट किया था? हमने हम पहले एक हमने गेम खेला था, उसमें हमने क्लू पढ़ा था, जैसे राउंड फ्लैट डिश ऑन विच यू ईट फूड, तो आपको फटाफट जाके प्लेट लेके आना था। देन अ कटलरी यू यूज टू ईट योर राइस एंड योर फ्रूट सैलेड एंड पास्ता, तो आपको फटाफट जाके फोक लेके आना था। रिमेम्बर प्लेइंग दिस गेम? आपको याद है आपने ये गेम खेला था? शो मी अ थम्स अप पीपल इफ यू रिमेम्बर। ओके, नव्य गिव्स अ थम्स अप, राघव इज गिविंग अ थम्स अप, नवेद इज गिविंग अ थम्स अप, समृद्धि इज गिविंग अ थम्स अप, अनिका, आशना, ऑल राइट। ओके, सो राइट, तो ये जब हमने किया था, ये हमने ना हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में किया था। जैसे फूड पिरामिड जो था वो हमारा फिजिकल हेल्थ में था, राइट? अब डाइनिंग एटिकेट्स हम सबके साथ हैं, तो ये कौन सा हेल्थ का टाइप है? ये सोशल हेल्थ है, ये मेंटल हेल्थ है, या ये फिजिकल हेल्थ है, जब हम डाइनिंग एटिकेट्स की बात करते हैं तो? एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर प्लीज रेज योर हैंड। ओके, नव्या अनम्यूट। मैम कम अप अगेन बेटा, एक बार दोबारा बोलिए। सोशल हेल्थ, ओके। अकॉर्डिंग टू नवे इट्स सोशल हेल्थ। निवेदिया मैम सोशल हेल्थ, राइट? सो बोथ ऑफ देम आर राइट। हमने लास्ट टाइम सोशल हेल्थ पे डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो आपको याद है हमने सोशल हेल्थ कैसे स्टार्ट किया था? सबसे पहले हमने सोशल हेल्थ का मीनिंग समझा था, और कैसे समझा था? एक गेम से समझा था। गेम याद है आपको, रिलेशंस वाली, दैट योर अंकल्स डॉटर इज योर डैश, तो आपने कहा कजिन, सो योर मदर्स डॉटर्स ब्रदर इज हु, सो इट विल बी यू, राइट? सो हमने ऐसे गेम खेला था रिलेशंस पे टू अंडरस्टैंड सोशल हेल्थ। इसके बाद हमने थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क किया था कि अगर हमारे लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आते हैं तो हम कैसे अपने सोशल हेल्थ को मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा किसी से फाइट हो गया तो हम कैसे हैंडल करें कि हमारा सोशल हेल्थ स्ट्रांग रहे,
राइट तो हम फाइट नहीं करें उसको कैसे हम रिजोल्व करें. सिमिलरली अगर कोई फ्रेंड हमारा किसी का मजाक उड़ा रहा है तो हम क्या करें राइट. सो रिमेंबर डिस्कसिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस. आफ्टर दिस वी हैव मूव्ड ऑन टू डाइनिंग एटिकेट्स. नाउ व्हाई डाइनिंग एटिकेट्स इज अ पार्ट ऑफ योर सोशल हेल्थ. क्यों लगता है आपको कि डाइनिंग एटिकेट्स जो है वो सोशल हेल्थ का पार्ट है. जेम यू कैन हैव वाटर एंड पीपल यू कैन ड्रिंक वाटर इन बिटवीन. आई एम ओके विद इट. ओके इफ यू वांट टू व्हेनेवर यू फील लाइक राइट. सो एनी वन ऑफ यू कैन आंसर कि डाइनिंग एटिकेट्स या टेबल मैनर्स सोशल हेल्थ से कैसे रिलेटेड है या कैसे लिंक्ड है. कैन एनी वन ऑफ यू थिंक. Okay, Anika, try. अगर हम सबके लिए good night, good रहेंगे ये और इसलिए अगर हम सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे. Right, but table manners पे क्या जरूरत है इसके. Anika, question आगे ये है कि table manners क्यों social health का part है. Devansh, try. आपको लगता है पार्ट होना चाहिए. हमारी गुड हैबिट्स दिखती हैं. राइट, हमारी गुड हैबिट्स दिखती हैं. तो फिर अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो हमारे रिलेशंस कैसे होंगे टेबल पे. मैं बहुत अच्छे. राइट, और अगर हम बैडली बिहेव करेंगे तो क्या होगा. मैं बैड होंगे. तो फिर कोई हमारे साथ बैठ के खाना खाने पसंद करेगा. अब मैं खाना खा रही हूँ ठीक है और मैं ना बहुत सारा माउथ में लेके ऐसे खाती हूँ अगर तो आपको अच्छा लगेगा मुझे देख के. नो. फिर नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ बैठना चाहोगे कभी खाने के लिए. नो. नो राइट. सो विच मीन्स कि जब अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं हम अपनी मेमोरीज क्रिएट करते हैं राइट. सो व्हेनेवर वी आर ईटिंग टुगेदर एज अ फैमिली वी आर क्रिएटिंग मेमोरीज. तो हम कोई ना कोई बात कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पर जब ये खाया था ये अच्छा था या जब हम वहां गए थे तो ऐसे अच्छा था राइट. हम ऐसे डिस्कशन करते हैं बात कर रहे होते हैं मेमोरीज बना रहे होते हैं. बट अगर उसमें कोई बैडली बिहेव करेगा तो हम मेमोरीज ही नहीं बना पाएंगे और हमारे साथ कोई बैठना भी नहीं चाहेगा. सो विच इज वाई योर डाइनिंग एटिकेट्स एंड टेबल मैनर्स कम अंडर सोशल हेल्थ. क्योंकि आप अपने सोशल रिलेशंस को खाना खाते टाइम भी स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हो. ओके इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ अस. राइट सो नाउ वी हैव लर्नड वन थिंग. द फर्स्ट थिंग इन टेबल मैनर्स वॉज लेइंग द टेबल. अब हम सबको टेबल ले करना आ गया कि टेबल ले कैसे करते हैं. शो मी अ थम्स अप इफ यू ऑल नो. ओके अनिका काव्या काव्या सॉरी नव्या. ओके नैवेद्य राइट. समृद्धि दिव्यांश संस्कृति ग्रेट जैम. ओके सो दैट्स नाइस. मोस्ट ऑफ यू नो हाउ टू आशना ले द टेबल. अंश राइट ग्रेट पीपल दैट्स अमेजिंग. नाउ टुडे वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके सो अब वो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम एक और गेम खेलेंगे आज. And the name of the game is Manners Charade. Okay? Ab charade mein what we'll do is, I will do some action. Theek hai? Main koi ek action karungi. Main mouth se bilkul nahi bolungi. Main sirf action karungi. Aap mujhe observe karenge. Uske baad aap guess karenge ki wo action kya hai. Aur whether wo action right hai ya wrong hai. Right ya wrong ka matlab hume dining table pe wo action karna chahiye ya nahi karna chahiye. Okay, clear? So you have to do two steps here. First, you will identify the action or guess the action. Second, you will tell whether it's appropriate or not. So appropriate means ki hame wo dining table pe follow karna chahiye. Inappropriate means hame dining table pe follow nahi karna chahiye. Is the task clear to all of us? Right? Okay. Now before we go on to that, can I request people to turn on their videos? Because I can see lot many people with your videos off. Cheshta, Dipanch, Shaurya, Tanmay, Ayansh, Harit, Kartik.
Cheshta, Ali. Please people turn on your videos. Even if it's a network issue, you can still turn it on. Kyunki abhi aap baat nahi kar rahe. Okay, so please turn it on. Okay. I'll put myself in the spotlight for you all to see me doing the action. Okay. So the first one, look at me carefully. Okay, I'm starting. What do you think have I done? See again. Right, so what have I done? What is the action? Please raise your hand to answer. Okay, Karthik, unmute. Try, it's okay. There's nothing right and wrong here. We all try our answers. Karthik, unmute. Yes, ma'am. Yes. क्या लगता है आपको मैंने क्या action किया होगा? Ma'am, no. No, मैंने कोई action नहीं किया था. Yes. Okay, किया था. क्या किया होगा action? Just guess it. It's okay. You're guessing. Ma'am, jacket ke zip open karo. Okay, according to you, I was taking off my jacket. Okay. Divansh, unmute. Ma'am, ye aapne apne kapdon pe handkerchief lagaya tha. Okay. Handkerchief nahi bolte beta, usko napkin bolte hain, theek hai? Okay, ma'am. Yes. To maine wo theek lagaya tha. Should we do we put the napkin around the neck? Yes, ma'am. That was correct. Okay. Now, all of you, if you think ki mujhe napkin yahan lagana chahiye neck ke paas, I want you to all to think now. Okay? Ab let's say aapko apna mouth wipe karna hai. To kya aap aise karke karoge wipe? Kyunki aapne to napkin yahan fix kar diya hai. To ye acha lag raha hai? Dekh ke batao to acha laga. ऐसे अच्छा लगेगा मैं सबके सामने ऐसे नैपकिन लिफ्ट करके माउथ क्लीन करूंगी या मैं अपने हैंड्स क्लीन करूंगी मैम नो नो सो व्हिच मींस कि यहां पे लगाना इज रॉन्ग अराउंड द नेक इज रॉन्ग यस यस इट इज रॉन्ग सो डू यू नो व्हाट्स द करेक्ट पोजीशन एनीवन काव्या काव्या प्लीज अनम्यूट Ma'am, I think it is anger. Anger? No, beta, napkin. We were discussing, na? Devansh ne abhi identify kiya. Okay. Raghav? Yes, pehle napkin idhar lagna chahiye. Yes, ma'am. Yes, Raghav. Sanskriti, wait. Raghav, yes. Where do we put the napkin, beta? Neck pe to nahi lagate. We have just discussed ki bahut dirty lagega agar hum aise aise clean karenge, apne hands aise aise wipe karenge. To kahan rakhna chahiye fir? Ma'am, neck pe rakhna chahiye aur usme na hai. Enter karte na wo muh mein wipe karte. पर अगर मैं नेक पे लगाऊंगी और सबके सामने मैं मुंह को ऐसे वाइप करूंगी आई मीन जस्ट लुक आई एम हैविंग अ टाई राइट नाउ अराउंड मी अ बो सो इफ दिस इज द नैपकिन मैं ऐसे करूंगी अच्छा लग रहा है ये आपको यहाँ पे बंद है और मैं ऐसे उठा रही हूँ नो मैम तो फिर ये तो डर्टी लग रहा है फिर इसका मतलब यहाँ तब भी मैं यहीं पर ही लगाऊंगी आपने खुद ही कहा डर्टी लग रहा है ये तो नैपकिन या हैंड क्लीन करना या माउथ क्लीन करना अब मैं क्या ऐसे उठाकर ऐसे हैंड क्लीन करूंगी अपने नो मैम फिर कैसे क्या करना चाहिए मैम आपको लग... इस तरीके से यूज नहीं करते तो किस लिए करते हैं मैम फूड ईट करने से पहले बेटा इट इज फॉर क्लीनिंग ओनली
क्योंकि नैपकिन के साथ आपको टिश्यू नहीं मिलता कभी भी, तो फिर नैपकिन का क्या पर्पस होगा? क्लीनिंग ही होगा ना, अगर टिश्यू नहीं है तो? बताइए मैम, नैपकिन नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्लीन करेंगे उसको। हम नेक पे नहीं लगाएंगे पर कहीं और रखते हैं। ओके, हम क्लोथ्स, क्लोथ्स का मतलब क्लोथ्स टू योर एनिमल्स, यस, इट्स कॉल्ड एज लैप, एलएपी लैप, ओके, यस, वी कीप इट ऑन लैप, राइट राघव, इट्स करेक्ट। सो वेरी ट्रू पीपल, आप खुद सोचो अगर आप यहाँ नैपकिन लगा रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कोई ऐसे लिफ्ट कर ऐसे तो माउथ क्लीन नहीं करोगे ना, अपने हैंड्स ऐसे करोगे, इट विल लुक सो डर्टी। सो द करेक्ट प्लेस टू पुट द नैपकिन इज योर लैप, आप अपने लैप्स पर रखते हो, बिकॉज आप लैप से उसको उठाकर अपना माउथ साइड से वाइप भी कर सकते हो, अपना हैंड्स भी आप इजिली क्लीन कर सकते हो। द पर्पस ऑफ द नैपकिन इज क्लीनिंग, बिकॉज वी डोंट गेट टिश्यू वेन वी हैव अ नैपकिन, सो द पर्पस ऑफ द नैपकिन इज क्लीनिंग। Okay, right. Now let's look at the second one. Okay. Now look at to me carefully. You have to look at me and you have to hear me also. Okay. So be attentive. Now, what do you think I am doing? Okay, Divyansh. I'm drinking soup. Okay, yes, I was drinking soup. So do you think I was drinking it in the correct way, Divyansh? Ma'am, no. What was wrong? Ma'am, बहुत ज़्यादा वाल हो गया। बहुत ज़्यादा sound आ रही थी, तो हमें sound नहीं निकालना चाहिए? Ma'am, no. Right. Thank you, Divyansh. Yes. So the way I was drinking soup was incorrect. I was taking out the sound. This is called as a slurping sound. Okay? So, hum slurping sound nahi nikalte. Whether you are drinking tea, whether you are drinking coffee, or whether you are drinking soup. Aap kuch bhi pee rahe ho, sound is not good. So, we don't take out slurping sound. Okay? Now, let's look at the third behavior. Again, watch me carefully. What do you think I've done? Okay, Ekansh. Ma'am. Hanji. What did you eat, ma'am? Chapati. I was eating chapati. Was I eating it in the correct way? Ma'am, yes. Do you really think? Look at me again. Ma'am, no. What is wrong? Ma'am, ऐसे नहीं करना चाहिए. क्या wrong है इसमें? मैम ऐसे नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? You have to speak with the mouth. मैम माउथ में स्टोर नहीं करना चाहिए। So why do you think I was storing in the mouth? मेरा बाइट का साइज ठीक था या बड़ा था? मैम बड़ा। और मेरा माउथ क्लोज था या बंद ओपन था वाइल ईटिंग? मैम क्लोज। क्लोज था? मैम ओपन। ओपन। सो बड़ा बाइट खाना और माउथ ओपन करके च्यू करना, इज इट अ गुड बिहेवियर? मैम नो। ओके, तो फिर क्या करेक्ट बिहेवियर हुआ एकांश? बाइट का साइज कैसा होना चाहिए? मैम स्मॉल। स्मॉल। और माउथ कैसा होना चाहिए च्यू करते टाइम? शुड इट बी ओपन और क्लोज्ड? क्लोज्ड, राइट। मैम क्लोज। Okay, thank you, Ekansh. So yes, what was inappropriate was stuffing your mouth. आपने generally देखा होगा break time में, और ये mostly boys करते हैं, ठीक है? School में break time में हम क्या करते थे? फटाफट lunch finish करना है, क्योंकि हमें तो play करना है जाके, तो हम सारे bites एक साथ mouth में डाल के mouth को over stuff कर लेते हैं. Yes or no? Kavya is laughing. हाँ, right. So majority of us do this. So see how dirty it looks. So we should not be stuffing our mouth. Hame ek ek bite khana chahiye. And apart from that, your mouth should be
closed while you're chewing. Okay? Now let's look at the another way. Another way is, look at the way I am picking up something. Anyone who would like to answer this one? Okay, Arav. Yes, ma'am. Yes, Arav. What was I doing? मैं एक बार फिर से रिपीट कीजिए. श्योर. या. हेलो मैम. सो व्हाट वाज आई डूइंग? आई वाज नॉट सेइंग हेलो. आई वाज डूइंग समथिंग लाइक दिस. लुक एट माय फिंगर्स. इट्स दिस. दिस इज हाउ माय हैंड इज. I'm sprinkling salt. Yes, I'm sprinkling the salt. Did you see me picking it up? मैंने कैसे pick किया था? मैंने ऐसे होकर pick किया था. So what did I do? I bent on one side. My elbow was pointing to the person next side, and then I picked it up. Do you think it was correct way, Arav? No, ma'am. Elbow मेरा ऐसे point कर रहा था. ये ठीक था? No, ma'am. क्या हो सकता है अगर मैं ऐसे बेंड करूं और एल्बो मेरा ऐसे जाए तो क्या हो सकता है? मैम चोट लग सकती है. राइट. सो जो मेरे साथ बैठा है उसे लग सकती है. राइट. सो क्या ये ठीक है? मुझे ऐसे करना चाहिए डाइनिंग टेबल पे? नो मैम. नो. सो व्हाट शुड आई डू दैट? अगर मुझे सॉल्ट चाहिए, वो मुझसे थोड़ा दूर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरे को कह दो कि मुझे सॉल्ट दे दो. तो उसको कहना चाहिए मुझे सॉल्ट पास कर दो. ओके. यस. वेरी ट्रू. सो आइडियली व्हाट वी शुड डू इज वी शुड आस्क द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू अस टू हेल्प अस इन पासिंग थिंग्स. वेरी ट्रू. क्योंकि अगर आप बेंड कर ऐसे उठाएंगे तो वो एल्बो लग सकती है किसी को. राइट. एब्सोल्युटली. So now I want you all to think a bit. Okay? अब आप कोई behavior सोचो dining table पे. आप correct, incorrect कोई भी सोच सकते हो और enact करोगे and we all will guess. Right? Are you ready with it? Yes, people, are you ready? Ananya, are you ready? Okay, Ananya, unmute. Yes, ma'am. Yeah, wait, I'll put you in spotlight for everyone. Are you ready with the action, Ananya? Show me a thumbs up agar aap action ke liye ready ho, enact karne ke liye. Ananya, show me a thumbs up beta if you're ready. You are not. Okay. Anyone who's ready? All right, Divyansh is ready. Divyansh, one second. Let me put you in spotlight first. Okay. Wait. I'm sending you the prompt. I'll have to send it from this side. Yes, Divyansh. Okay. Person who wants to guess, please raise your hand. What Divyansh is doing. Divyansh, aap mute mat kariyega abhi, theek hai? Because you'll tell ki it's correct or not. Okay, Naivedya wants to guess it. Yes, Naivedya. Ma'am, Divyansh soup pee rahe ho. Aap soup pee rahe ho, Divyansh, is that correct? Yes, ma'am. Okay, so do you think he was drinking it correctly, Naivedya? Ma'am. Unhone theek tarike se piya tha, hame aise hi peena chahiye. मैम नो. नो. ओके. क्या रॉन्ग दिखा आपको? मैम क्योंकि वो बहुत फास्ट सूप पी रहे थे. ओके. तो आपके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा स्लो पीना चाहिए. ओके. फाइन. दिव्यांश, इज ही करेक्ट इन पॉइंटिंग दैट आउट दैट यू वर ड्रिंकिंग लिटिल फास्टर?
Yes, ma'am. Okay, fine, Divyansh. Oh, ma'am, great. Ma'am, hum bhi action ke saath ready hain. Okay, just give me a minute. I'll remove him from the spotlight first. Okay, Naivedya, are you muted yourself again? Okay, yes, Naivedya. Okay, anyone who would like to guess, Naivedya, please unmute yourself also so that you can listen to the people. Okay. Yashasvini, would you like to give it a try? Unmute. Yashasvini, please unmute. I have sent you the prompt. Yes, ma'am. Yeah, did you see Naivedya? Yes, ma'am. Okay, will you tell her, tell his action? Ma'am, she put her elbows on the bed. Okay, your elbows were on the table. And what else was he doing? Aur kya kar rahe the wo? Yes, Yashvini. Yashvini, sorry. यशस्वी उनके एल्बोज डेफिनेटली टेबल पे थे और वो और क्या कर रहे थे निवेदि विल यू रिपीट इट वंस अगेन निवेदि रिपीट द एक्शन वंस अगेन ओके या राइट सो यशस्वी क्या कर रहे हैं निवेदि अभी व्हाट इज ही डूइंग ऑन द टेबल Ma'am, she is studying. He is studying. So should we study on the dining table when we are enjoying food? No, ma'am. Right. So Naivedya, it was a wrong behavior. कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए खाते टाइम. When we yes, are with. Yes, ma'am. हमें पढ़ना नहीं चाहिए. And he is correct. Right. Okay. Thank you, both of you. Yes. So when you are enjoying your meals together with your family on the table, you should not be reading anything, not even newspaper. Okay. All right. Anyone else who wants to enact? Okay, Mohammed Zaim, unmute. Ma'am. One second, Zaim. Let me put you in spotlight. Yes, Zam. Okay, what do you think people Zam is doing? Anyone who would like to guess? Sanskriti, please unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, so what Zam was doing? Zam ne kya action kiya tha abhi? Ma'am. Zam, Mohammed Zam ne kya action kiya tha abhi? Please repeat once again, Zam. I'm drinking water. Drinking water. Do you think he's drinking it in the correct way? No. Okay, kya wrong tha? Sorry? Okay, इनको head ऊपर करके ऐसे नहीं पीना चाहिए. This is what you said? Yes, ma'am, he is right. Okay, yes. We should not be tilting our head too much back, definitely while drinking water. Yes, ma'am, he is right. Okay, by the way, it's she. Okay, for girls, we say she. For boys, we say he. Right. Yes, ma'am. Okay, thank you, Mohammed Zam, for the action. Right. Anyone else who wants to enact? Farhan,
let me put you in spotlight for everyone. Are you ready with the action, Farhan? Yes, ma'am. Okay, please enact. You are in spotlight. Okay, anyone who would like to share what Farhan is doing? Okay, Anika, unmute and answer. Eating food. Okay, Farhan is eating the food. So do you think he was eating it in a correct way? Yes, ma'am. Okay, so Farhan, would you unmute and tell you were eating it correctly or not? Yes. Yes, ma'am. Okay, yes. He was eating small bites and he was not rushing it in his mouth. He was chewing the first bite completely and then taking the second bite. So, aapne wo slow motion movement uska observe kiya hoga. Very true. So, yes, you guys have helped in understanding a few of the table manners that we should follow on the table. Now, I will quickly tell you other table manners that we should remember and we should follow on the table. Okay? I'll just share my screen. Is the screen visible to all? Okay, so let's quickly discuss certain do's and don'ts. Firstly, when you are sitting on the dining table, when you're about to settle, pehle bacche nahi baithte, pehle bade baithte hain. So let your elders sit first and then you settle. Okay, another important thing which was pointed here also, ki nevedya ne aise hands rakhe hain table pe, we never keep elbows on the table. ओके आप खाने का वेट कर रहे हो या कुछ भी हो आप हाथ ऐसे नहीं रखेंगे यू कैन कीप इट लाइक दिस और यू कैन कीप इट ऑन योर लैप देन नो स्लर्पिंग साउंड्स व्हाइल ड्रिंकिंग फूड आल्सो वी कैन यूज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एनी हैंड फॉर ईटिंग बट व्हेन यू आर ड्रिंकिंग वाटर यूज योर राइट हैंड ओके If somebody says to you, please pass me salt or please pass me pepper, आपने देखा होगा कि salt and pepper हमेशा एक साथ होता है तो आप दोनों पास करिए आप सिर्फ एक चीज पास नहीं करेंगे आप दोनों पास करें ओके देन इफ somebody says that please pass me a bowl of vegetable, अब उसने बोला but the person is eating, right? So the important thing is कि आप बोल उसके आगे रखोगे आप उसको हैंड में नहीं दोगे व्हाई बिकॉज उसके हैंड में कोई बाइट हो सकता है वो कुछ खा रहा हो सकता है या खा रही हो सकती है सो द करेक्ट वे इज टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन ओके अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर व्हेन यू आर ईटिंग सॉलिड फूड जैसे कि पास्ता हो गया नूडल्स हो गए आपका वर्मसिली हो गया इवन राइस आप फोक से खाओ जो आपका लिक्विड है वो आप स्पून से लोगे तो आप कर्ड पल्सेस करीज ग्रेवी वेजिटेबल्स वो स्पून से खा सकते हो बट जो आपका सॉलिड है जैसे कि ब्राउनीज राइस केक्स यू शुड यूज अ फोक फॉर इट एंड नॉट अ स्पून ओके दैट्स द करेक्ट वे ऑफ ईटिंग इट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर ईटिंग पिज्जा एट होम यू कैन ईट इट विद हैंड बट व्हेन यू आर ईटिंग इट विद पीपल अराउंड यू लेट्स से
जब आपके घर गेस्ट आए हैं देन प्लीज यूज नाइफ एंड फोक. ओके, नाइफ आप राइट हैंड में पकड़ेंगे, फोक आप लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे एंड जेंटली यू विल कट इट. आप उसको ऐसे ऐसे नहीं कट करेंगे, जेंटली धीरे धीरे कट करेंगे फोक से होल्ड करते हुए एंड देन विद द लेफ्ट हैंड यू विल पुट द फोक एंड यू विल ईट इट. ओके, दैट्स द करेक्ट वे ऑफ ईटिंग इट. देन योर the napkin has to be placed on your lap. Okay. Now, after you have finished, you will just wipe your hands and mouth and keep it loosely folded and keep it on the table. Okay. Then another important thing is, जब आपको कुछ उठाना है वो आपसे बहुत दूर नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ दूर है कि आप लिफ्ट कर सकते हो, पर आपको थोड़ा सा लीन होना पड़ेगा. But the elbow can hurt the person next to you. Then in that case, you say, excuse my reach. Okay? जैसे हम बोलते हैं ना किसी को excuse me, can you please help? हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हम phrase क्या use करेंगे? Excuse my reach, which means that please don't mind excusing because I'm trying to pick up something. Okay? So it means that. Then another important thing, your mouth should be closed while you are chewing. Okay? और जब आप डाइनिंग टेबल पर हो, आपने देखा है ना हम खाना सर्व करते हैं, तो हम कहाँ से सर्कुलेट स्टार्ट करते हैं? जैसे आपके पास अगर बोल था, आपने सब्जी डाला या वेजिटेबल डाला, उसके बाद आप अपने लेफ्ट साइड पर देखते. सो वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो आप अपने लेफ्ट हैंड से सर्व करेंगे. सो द पर्सन सिटिंग ऑन योर लेफ्ट, आप बोल उनको पास करेंगे, फिर जो आपके लेफ्ट में था वो आगे अपने लेफ्ट वाले को पास करेगा. सो सर्विंग हैपेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सो वो लेफ्ट से वापस राइट पर आता है. सो दैट इज हाउ वी डू इट. क्लियर? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, देर आर थ्री मैजिकल वर्ड्स दैट यू गॉट टू यूज ऑन योर डाइनिंग टेबल. दीज आर प्लीज, मे आई एंड थैंक यू. सो कैन यू प्लीज पास मी सॉल्ट, may I have some water and thank you. So always remember to use these three magical words while you're enjoying food on the table with your friends and family. Okay, so are you all clear with the dining etiquettes which we follow on our dining table, whether we are a guest or if somebody is a guest to our place? Have you all understood this? Okay, fine. So next time remember to follow these rules and we'll meet next, further understanding that what manners should we be following while we are at the restaurant. And before that, I would want you all to read page number 30 and 31 of your book. ठीक है? आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 एंड 31 रीड करिएगा. That's your homework. Alright, page 32 we have already done. हमने starting में discuss किया था, but 30-31 just read. So with this we wind up with the session. Anyone wants to say something, you may tell, else we wind up. Okay, yes, Karthik, you may unmute directly. Ma'am, ये जो 30 and 31 page है, ma'am, ये dewdrops की book में करना है. Ma'am, read करना है. हाँ जी, सिर्फ read करना है आपने. Dewdrops? Yes. Ma'am? Yes. Ma'am, हम leave कर सकते हैं क्योंकि हमें important work है कुछ. हमें कहीं जाना है. Leaving बेटा, the session is over. मैम, या मैम, इसमें जो पेज नंबर 32 और 33 नव्या, यू या यस मैम, वो हमारा तो हुआ नहीं है अभी बेटे. सिर्फ रीड करने को दिए मैंने आपको ना 30-31. ओके ओके पीपल,
So we wind up for the day. Have a wonderful day. Enjoy your day. Bye-bye, all. Bye, ma'am. Good afternoon, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Nanya. Have a good day, ma'am. You too. Bye-bye. Have a good day, ma'am. Have a good day, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Ma'am, have a good day, ma'am. Have a nice day.